विदिशा स्थित राधा रानी मंदिर में राधाष्टमी के पावन पर्व पर मंदिर के कपाट खुल चुके हैं, जहां राधा रानी के दर्शन करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती विदिशा पहुंची और पूजन अर्चन कर प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। राधाष्टमी के पावन पर्व पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने नंदवाना स्थित राधा रानी मंदिर पहुंचकर पूजन और दर्शन किए। इसके साथ राधा रानी के दर्शन करने पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भजन कीर्तन कर भक्ति भाव के साथ राधा रानी के प्राकट्य उत्सव की खुशियां बांटी। विदिशा के नंदवाना में राधा रानी का मंदिर स्थापित है, जो साल में सिर्फ राधा अष्टमी पर एक बार ही दर्शन के लिए खोला जाता है, बाकी पूरे साल गुप्त रूप से मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। राधा अष्टमी है और पूरे भारतवासियों को पता होना चाहिए कि बरसाने के अलावा एक जगह और राधा रानी विराजमान है और वो हमारे विदिशा में है। विदिशा एक ऐतिहासिक धार्मिक नगरी है, एक संस्कार नगरी है, भक्ति भावना की नगरी है, वैष्णवजनों की नगरी है, इसलिए राधा रानी ने बिल्कुल सही जगह का चयन किया है। वो बिल्कुल सही जगह पे आकर के रुक गई यहाँ पर और उन्हीं की कृपा से विदिशा धनधान से संपन्न है और हमेशा विदिशा जो है वो हिंदुस्तान में धर्म का, हिंदू धर्म का गढ़ माना जाता है। उसका कारण शायद राधा रानी की उपस्थिति रही होगी, मैं ऐसा मानती हूँ। आज मैं राधा रानी के दर्शन करने आई, मैंने राजस्थान पत्रिका में पिछले साल राधा रानी के बारे में पढ़ा और बरसाने जा नहीं पा रही थी क्योंकि पिछले साल कोरोना के कारण आपको याद होगा इस महीने में वहाँ के पट बंद थे, यानी कि अलाउ नहीं था कोई। तो मैंने जैसे ही पढ़ा मैं तुरंत यहाँ आई और जब मैंने यहाँ का इतिहास सुना कि ये तो करीब 300-400 साल पहले राधा रानी की यहाँ आई है और ये बड़ी सिद्ध प्रतिमा है, तब मुझे लगा कि विदिशा की पूरी महिमा का जो मुख्य कारण है वो यह है कि राधा रानी जो है वो विदिशा की महारानी है। विदिशा स्थित राधा रानी का यह मंदिर पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है, जहां बड़ी संख्या में भक्त राधा रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, विदिशा।